सफल नहीं हो पा रही, सरकार का अभियान नहीं चल रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो नहीं हो पा रही है। ये जिस कांग्रेस कह रही है कि इस तरह के आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं उस पे किताबी आंकड़े, तो आज आंकड़े आए हैं जी, वो आंकड़े इतने झूठे और इतने फर्जी है। मास्टर स्ट्रोक है, हरियाणा में भी मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन खुद जीत के सरकार बना ले ये संभव नहीं है। एनडीए सरकार ने क्या कुछ नया किया है? बीजेपी का काला काल था, 11 सालों से अच्छे दिनों की तलाश कर रही है। इन 100 दिनों से कितने संतुष्ट हैं? आप तो सहयोगी दल है, उसका जिम्मेदार कौन है? और डॉक्टर लोहिया कहते थे रोटी की तरीके से सेकते रहेगी जनता। 2/3 बहुमत राज्यसभा में, 2/3 बहुमत लोकसभा में होना चाहिए, तभी शायद ये संशोधन हो सकता है। मैंने बताया ना, 2015 से चल रहा है, वो बहस ही बहस हो रही है। इससे क्या होगा कि 5 साल की मशक्कत नहीं होगी, बार बार कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, फिर सब लोग वहाँ व्यस्त हैं। देखिए, जब तक बातचीत होती रहेगी, वातावरण बना, जब देश में वातावरण बनेगा तो इनको भी सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है या फायदा होना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान होना है? मिनिमम परसेंटेज भी इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपना मन बनाया है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी देखे, कांग्रेस पार्टी है उसके घटक दल का कोई सीधा संबंध नहीं है। दोबारा से उसी मुकाम पर, उसी पोजीशन पर आ चुकी है।